छोड़ के संयम की हरसत से नेम चले गिरना नेम चले गिरना। होते हैं प्राणी को निज प्राण जब प्यारे, होते हैं प्राणी को निज प्राण जब प्यारे, फिर क्यों किसी को यू संसार ये मारे, फिर क्यों किसी को यू संसार ये मारे। पिंजरे का ताला तोड़ सभी जीवों के बंधन तोड़, पिंजरे का ताला तोड़ सभी जीवों के बंधन तोड़, नेम चले गिरना नेम चले गिरना। माया की नगरी को छोड़ के नित्य की राहों पे नेम चले गिरना नेम चले गिरना। करती रहे तेरे गुणगान हम सारे, करती रहे तेरे गुणगान हम सारे। करुणा निधि तूने कई जीव है तारे, करुणा निधि तूने कई जीव है तारे। हम भक्ति सहित कर जोड़ करेंगे बंधन लाख करोड़, हम भक्ति सहित कर जोड़ करेंगे बंधन लाख करोड़, करुणा के अवतार। राजुल की नगरी को छोड़ के संयम की हरसत से नेम चले गिरना नेम चले गिरना। माया की नगरी को छोड़ के नित्य की राहों पे नेम चले गिरना नेम चले गिरना। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। ओंकार विन्दु संयोक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, आमदं मोक्षदं चैव नमस्कारम्। सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पुञ्जराभं स्मराम्यहम्। हरिहन्तु महादेवो जावज्जीवं सुसाहो गुरुणो जिनपनुत्तं तत्तं यसम्मत्तं मये गह्यम्।
अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे आचार्य परंपरा में जिन महापुरुषों ने बहुत बड़ा बड़ा बलिदान प्रदान किया, भगवान के संग की सुरक्षा की, भगवान महावीर स्वामी के शासन को आगे बढ़ाया, उन प्रातस्मरणीय आचार्य भगवंतों को हम इन दिनों के अंदर याद कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना सातवें आचार्य तक 14 पूर्वधारी आचार्य थे, 14 पूर्वधारी आखिर के आचार्य हुए आर्य भद्रबाहु स्वामी, और यही भद्रबाहु स्वामी थे जो नेपाल की हिमालय की कंदराओं में जाकर के, गुफाओं में जाकर के उन्होंने महाप्राण की साधना की। यह जो आचार्य भद्रबाहु का जो समय था वो हमारे सारे देश में बड़े उतार चढ़ाव का समय था, यहां की राजनीति के अंदर बड़े भारी उतार चढ़ाव क्या कर रहे थे आ रहे थे, क्योंकि ये वो समय था जब यूनानी पारसिया सुल्तान विश्व विजय सिकंदर वो सारी दुनिया को जीतने के बाद भारत को जीतने के लिए बड़े भारी सेना को लेकर के इसने भारत की तरफ प्रवेश किया था। सबसे पहला ये था जिसने ये सोचा भारत को विजय करे बगैर, भारत को जीते बगैर मैं सम्राट नहीं कहला सकता। भारत सबसे बड़ा देश है, सबसे संपन्न देश है और सबसे विराट देश है, उस देश को जीत करके मैं दुनिया के अंदर सम्राटों का सम्राट बनूं, इसलिए विश्व विजयी सिकंदर बड़ी भारी ताकत को लेकर के ये हमारे देश के लिए आक्रमण करने के लिए क्या हुआ चल पड़ा। ये वही समय था जब आचार्य भद्रबाहु का शासन चल रहा था, वो साधना कर रहे थे, शासन को आगे बढ़ा रहे थे। उनके समय का समय की घटना है, और जिस समय उस समय के जो बहुत बड़े गुरुकुल यहां पर चलते थे, जैसे तक्षशिला का गुरुकुल, क्योंकि ये तक्षशिला ये आज के जम्मू कश्मीर के आसपास का इलाका रहा जहां पर
तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था, भारत के अंदर दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। तो तक्षशिला के जो आचार्य थे उन लोगों को ये पता लगा विश्वविजय सिकंदर भारत को जीतने के लिए क्या कर रहा है, भारत को गुलाम बनाने के लिए आ रहा है, भारत के अंदर साम्राज्य स्थापित करने के लिए आ रहा है। तो इन लोगों ने सोचा भाई इस समय हमारा सारा देश अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, और इन्होंने निर्णय लिया मगध का जो राजा है वो सबसे बड़ा राजा, और छोटे छोटे राजा हैं, और मगध जो है बड़ी प्राचीन राजधानी है। मगध के अंदर नंद वंशी का राजा था, और जो है जिनका वर्णन पहले हम कर चुके हैं, शकडाल वहां के महामंत्री थे, लेकिन गलत फहमी में आकर के शकडाल को उन्होंने क्या कर दिया, मरवा दिया। और जो उसके बाद उनका बेटा मंत्री बना, उसने भी छोड़ करके दीक्षा धारण की। तो इसके बाद उस मगध की नंद वंश की पुण्यवाणी घड़ती चली गई। वो नंदवंशी राजा उस समय जो था उसको मार करके उसके बेटे ने गद्दी को क्या कर लिया, संभाल लिया, और बड़े उतार चढ़ाव थे। और जिस समय तक्षशिला में तक्षशिला के जितने भी आचार्य थे उन सब की मीटिंग हुई कि भाई इसी इलाके से जो है सिकंदर भारत को जीतने के लिए आ रहा, तो इस समय क्या करना चाहिए। तो वहां से तक्षशिला के जितने भी विद्वान थे, तक्षशिला के जितने भी प्रोफेसर थे, बड़े बड़े आचार्य थे, उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि मगध देश को इस समय जगाना बहुत जरूरी है, वहां के राजा को जगाना जरूरी है, उसके मन के अंदर देशभक्ति और देश प्रेम पैदा करना जरूरी है। क्योंकि और सारे छोटे छोटे रजवाड़े हैं, मगध सबसे बड़ा रजवाड़ा है, सबसे ज्यादा सेना उसके पास है, सबसे ज्यादा समृद्धि वहां पर है, सारे व्यापार का केंद्र वो है। तो मगध का राजा अगर जो आकर के अजय इस सिकंदर का मुकाबला करे तो सिकंदर सिंधु नदी को पार नहीं कर सकता, और सिकंदर को सिंधु पार करने देना नहीं है। इसके लिए विष्णुगुप्त चाणक्य को मगध के अंदर भेजा गया कि तुम जाकर के नंद राजा को समझाओ। ये रंगरेली के अंदर है, खाने पीने के अंदर है, नाच गानों के अंदर है, और ऐसे भोग विलास के अंदर लगा हुआ ऐसी हालात के अंदर अगर जो है वो जय सिकंदर आ गया और बाईदे छोटे राजाओं को खत्म करके अगर मगध को उसने अपने कब्जे में कर लिया तो सारा हिंदुस्तान, सारा देश, सारा भारत गुलाम क्या कर जाएगा, हो जाएगा। अब ऐसा सोचने वाला कोई दूसरा राजा नहीं था, कोई सम्राट नहीं था, इतनी दूरदृष्टि के अंदर वो लोग नहीं थे। आपस के अंदर बटे हुए थे, आपस के अंदर लड़ते झगड़ते थे, अपनी सीमाओं को बढ़ाने के चक्कर में रहते थे। तो ऐसे समय के अंदर उन आचार्यों ने, जो तक्षशिला गुरुकुल के आचार्य थे, उन लोगों ने चाणक्य को वहां से मगध के अंदर क्या हुआ भेजा। जिस समय मगध के स्वरूप को देखा, मगध के वातावरण को देखा, तो विष्णुगुप्त चाणक्य को बड़ी निराशा हुई। इतना खाना पीना, भोग विलास, शराब कुआब, इसके अंदर ये लोग हैं कि हमारे देश का क्या होगा, हमारे देश की क्या स्थिति होगी। और बाहर से इतना ताकतवर जो आतताई आ रहा है, इतना ताकतवर वो सम्राट आ रहा है, सारी दुनिया को जीत करके लाखों की तादाद के अंदर वो सेना को लेकर के आ रहा है, वो तो सारे देश को पूरी तरह से गुलाम बना देगा। तो चाणक्य नंद के दरबार में गए, उन्होंने उनको जगाने की कोशिश की, उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो शराब मांग शराब दुनिया भर की बुराइयों के अंदर पड़ा हुआ नंदवंश राजा, जबकि नंदवंश राजा बड़े अच्छे राजा थे,
बहुत अच्छी तरह से इन्होंने राजकाज चलाया था। और ये सकड़ाल उनके महामंत्री थे, कोई मगध की तरफ देख नहीं सकता था, लेकिन एक एक आदमी अगर निकल जाता है तो राज्य के अंदर इतनी तकलीफें हो जाती हैं, बाद में सबसे ज्यादा भ्रष्ट राजा क्या कर गया बन गया। और वहां पर उनका जो उपदेश देना, उनका संदेश देना, उन्होंने कहा महाराज आप सबसे बड़े राजा हैं और मगर सबसे ताकतवर है, और आठ लोग आगे जाकर के अड़ोगे नहीं तो सिकंदर को कोई रोक नहीं सकता। अगर वो किसी तरह से सिंधु नदी पार करके अगर आ गया तो हमारा सारा भारत उसके अंदर के अंदर क्या कर जाएगा, आ जाएगा। इसलिए आप जगो, आप इसको रोकने की कोशिश करो, आप आगे चलो, छोटे राजाओं को मनवाओ। लेकिन जब मरने का समय होता है, जब विनाश का समय होता है, तो बुद्धि खराब हो जाती है। तो नंद राजा ने विष्णुगुप्त चाणक्य का अपमान कर दिया, गाली गलौज किया। उन्होंने कहा तुम जाकर के अपना पढ़ाई का काम करो, हमारे को शिक्षा देने का काम न करो, राज कैसे करना है हम जानते हैं, किसे लड़ना है हम जानते हैं। इन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी, आखिर इनको इतना अपमानित किया तो वहीं पर दरबार में विष्णुगुप्त चाणक्य ने ये प्रतिज्ञा की कि जब तक नंद वंश का विनाश नहीं करूंगा तब तक चोटी क्या करूंगा, बांधूंगा। उन्हें चोटी छोड़ दी। उन्हें कहा जब तक इस राज्य का जड़ मन से उखाड़ूंगा नहीं, इनको नष्ट नहीं करूंगा और देश की रक्षा नहीं करूंगा, तब तक मैं जो है चोटी को क्या करूंगा, बांधूंगा। तो उन्होंने फिर सोचा वे नंद वंश को गिराने के लिए, इसका विनाश करने के लिए, इस राज्य की सत्ता को प्राप्त करने के लिए, और आगे जाकर के आने वाला जो विदेशी, जो साम्राज्य को लेकर के जो विश्व विजय सिकंदर आ रहा है उसको रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को क्या किया, तैयार किया। नंद वंश के बाद मगध के अंदर मौर्य वंश का राज क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। और चंद्रगुप्त को विष्णुदत्त चाणक्य ने क्या किया, तैयार किया। वो क्षत्रिय पुत्र थे, वो हमेशा रात दिन घूमते फिरते थे, ये क्या करना है कैसे करना है, वो बड़ी लंबी कहानी है। फिर उस चंद्रगुप्त को देखा और देखने के बाद ये प्रभावित हुए, इस लड़के को हम तैयार करके सम्राट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर वो 12-13 साल का लड़का, उसको लेकर के उसको राजा के रूप में घड़ना क्या किया, प्रारंभ किया। चाणक्य राजा के रूप में घड़ना प्रारंभ किया, उसको ऐसी शिक्षा देनी प्रारंभ की, उसके ऊपर अनुशासन किया, उसके ऊपर तैयार करने की कोशिश की। गुरु शिष्य को कोई बनाने के लिए कितनी कोशिश करता है, कितना परिश्रम करता है, कितना त्याग करना पड़ता है, कितनी दूरदृष्टि से काम करना पड़ता है, ये चाणक्य और चंद्रगुप्त के जीवन को हम पढ़ें तो हमारे को पता क्या करेगा लगेगा, कैसे कैसे घड़ते हैं ये लोग, कैसे कैसे तकलीफ से उनको निकलना पड़ता है। गुरुकुल के अंदर जब लेकर के गए चंद्रगुप्त को, उसको पढ़ाई के लिए तैयार किया, और इधर उधर बहुत से लड़के जैसे कॉलेज में महाविश्वविद्यालय के अंदर ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो उन्होंने उसको चढ़ा दिया, उससे कोई गलती हो गई। गलती हो गई तो एक नमूना आप लोगों को बता देता हूं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, जो लड़का था, विद्वान विद्यार्थी था, उसको कहा तुझे जैसे तैने अपराध किया है, बिना पूछे गुरुकुल से बाहर गया है, बिना आज्ञा के तू बाहर गया है, इसके लिए एक हफ्ते तक जो बाहर जो है जंगल है, जहां पर पेड़ है, उन पेड़ों के नीचे बड़ा भारी वहां पर एक जो है पीपल का पेड़ था, बरगद का पेड़ था, उन्होंने कहा इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठेगा, न खाएगा न पिएगा, और जो भी पत्ता ऊपर से गिरेगा उस पत्ते को जमीन में पड़ने से पहले क्या करना होगा, उठाना होगा। अगर एक भी पत्ता नीचे जमीन के ऊपर गिर गया तो फिर आगे तेरी सजा को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे ऐसी सजा। और
और वो जो चंद्रगुप्त था विद्यार्थी के रूप में पढ़ रहा था, अब आचार्य का ऐसा आदेश हुआ, वो पेड़ के नीचे जाकर के बैठता है और जब भी कोई पत्ता गिरता है तो दौड़ करके उसको क्या कर लेता है, और वो भी एक दिन दो दिन सात दिन का उसको क्या था उसका दंड, और उसको लाया था विद्वान बनाने के लिए, लाया था हथियार सिखाने के लिए, लाया था तीर कमान चलना सिखाने के लिए, लाया था उसको राजा बनाने के लिए। और वो चंद्रगुप्त तो सोचता ये मेरे को राजा बनाए, जरा सी गलती हुई, अरे कोई मेरे पास शस्त्र नहीं, अस्त्र नहीं, वो शिक्षा नहीं, अब कहते पत्ता गिरे तो उसको पकड़ना, उसके मन के अंदर भी तूफान क्या करता था चलता था। और उन्होंने अपना एक शिष्य वहां पर चौकीदार के रूप में रखा हुआ था, अगर ये सो जाए, अगर कोई पत्ता गिरे, अगर ये ना उठाए तो उसी समय मेरे को आकर के क्या करना कहना। वो सजा बढ़ते बढ़ते एक दिन की सजा सात दिन की सजा क्या कर गई, एक जमुना, एक से हजारों घटनाएं घटी जिनसे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया, तैयार किया। चंद्रगुप्त मौर्य बाद में वो अपने आत्मकथा के अंदर लिखते हैं कि जिस समय गुरुजी ने मेरे को वो पेड़ के पत्ते जो है पकड़ने का जो सजा दिया था, मेरे मन के अंदर बड़ा तूफान था, मैं सोचता था यहां से भाग जाऊं, ये मेरा गुरु क्या है मेरे ऊपर अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, रात दिन वहां पर बैठो और ये पत्ता पकड़ो, ये क्या मतलब है, मेरे मन के अंदर बड़ा भारी तूफान था। लेकिन वहां पर पहरा ऐसा था मैं भाग नहीं सकता था। अगर जे गुरुजी ने एक शिष्य को वहां पर खड़ा कर रखा था मैं कोताही नहीं कर सकता था, लेकिन तूफान चलता था और रात को सोने की भी इजाजत नहीं थी, फिर रात को भी कोई पत्ता गिरे तो तुमने क्या करना है, उठा। अब जंगल के बीच में चंद्रगुप्त कहता है कि रात को जब सोना होता है ना तो मैं वो पेड़ की शाखा जो होती उसके ऊपर जाकर के सोता था, पेड़ की शाखा में जाकर के सोता था, नीचे कोई जानवर वगैरह आ जाए, कोई जंगली जानवर आ जाए, कोई सांप वगैरह आकर के खा जाए, कुछ हो जाए तो शाखा के ऊपर सोना पड़ता था। और मेरा दो दिन सात दिन में ऐसा अभ्यास हो गया कि पहले तो शाखा से कई बार नीचे गिरा, लेकिन मैं शाखा के ऊपर पड़े आराम से सोता था जैसे गद्दी के अंदर क्या कर रहा हूं। और वो कहता ये काम से मेरी चेतना, मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो गई थी, मेरे कान इतने तीव्र हो गए थे, वो पेड़ का पत्ता जब चटकता था मेरे कानों में आवाज आ जाती, जैसे वो पेड़ का पत्ता चटका, वो चटकते ही मेरे को पता लगता था पेड़ का पत्ता जुड़ने वाला है, मैं भाग करके वहां जाता और उसको क्या कर लेता, पकड़ लेता। वो कहते हैं मेरे को सम्राट बनाया तो उन्होंने बनाया, आज मैं एक तीर की टंकार को कहीं भी सुनता हूं तो तत्काल उधर जो हथियारों को क्या करता हूं फेंकता हूं और जो दुश्मन को क्या कर धराशाही कर देता हूं। ये ताकत उन्होंने पेड़ के नीचे बैठ करके, वो पत्ते पकड़ने की कला दंड दे करके, मेरे इस दिमाग को, मेरे कान की शक्ति को उन्होंने इतना उजागर क्या कर दिया, इतनी कान की शक्ति बढ़ गई, इतनी कान की शक्ति बढ़ गई कि अगर पत्ता पेड़ से जैसे भी चटकता था कान के अंदर आवाज आ जाती थी। बंधु, योग्य व्यक्ति को तैयार करना कोई आसान काम, उत्तराधिकारी तैयार करना कोई आसान काम नहीं होता। चाणक्य के शिष्य कहते थे गुरुदेव आप कितना अन्याय करोगे, कितना तकलीफ दोगे। उन्होंने कहा मैं अन्याय नहीं कर रहा, इसको सम्राट बना रहा हूं, ये अन्याय करना नहीं है, ये उसको तकलीफ देना नहीं है, मैं अपने शिष्य को तकलीफ मैंने छांट करके लाया है, मैं लेकर के आया हूं, मैं इसको तकलीफ नहीं दे रहा, परेशान नहीं कर रहा, दुखी नहीं कर रहा। उनके शिष्य भी रोते थे चंद्रगुप्त को इतना तकलीफ गुरु जी क्यों देते हैं, इतना परेशान क्यों करते हैं, इतने कठोर सजा क्यों देते हैं। वो कहते मैं कठोर सजा नहीं दे रहा, मैं इसको देश का सम्राट बना रहा, ये भारत का सम्राट बनना है, इसमें उस सम्राट को गढ़ रहा है। अगर किसी पत्थर को कोई कारीगर घड़ने लगे तो छेनी मारता है, उसको तोड़ता रहता है जगह जगह से, तो तोड़ने का मतलब उस पत्थर को तकलीफ देना थोड़ी,
वो तो अद्भुत मूर्ति निकालना। अब जितना वो घड़ेगा, जितना बारीकी से घड़ेगा, उतनी बढ़िया मूर्ति क्या करेगी निकलेगी। तो चाणक्य कहते थे चंद्रगुप्त को मैं घड़ रहा हूं, इसको तकलीफ नहीं दे रहा, इसको परेशान नहीं कर रहा, इसको दुखी नहीं कर रहा, एक हिंदुस्तान का सम्राट तैयार कर रहा हूं जिसने नंद वंश को समाप्त करके पूरे देश के अंदर एक ही सम्राट क्या करना है, बन रहा है। बंधु ऐसे आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया, और तैयार करने के बाद और इसी बीच में उन्होंने ऐसी ऐसी नीतियां खेली, ऐसा ऐसा किया कि मगध का राजा उनके साथ नहीं था, लेकिन आसपास के रजवाड़ों को जोड़ा, भीलों को जोड़ा, देश के लोगों को जोड़ा, एक था भाई हमारे देश के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसके अंदर देशभक्ति की भावना क्या करनी चाहिए, होनी चाहिए। वो कहते थे तुम धर्म करते हो, साधना करते हो, तपस्या करते हो, व्यापार करते हो, कुछ भी करते हो, उसका कोई महत्व तो नहीं है अगर तुम्हारे जीवन के अंदर देशभक्ति न हो। अगर देश ही न हो तो क्या करोगे, अगर जमीन ही न हो तो क्या करोगे। उस समय वहां के सम्राटों को, उस समय के भीलों को, जंगल के अंदर रहने वाले लोगों को, और जो जो रजवाड़े के अंदर अपराधी लोग जो जेलों के अंदर बंद थे, उन सबको उन्होंने मांगा, जिन्होंने तुमने फांसी की सजा दे रखी है, जेल दे रखा है, वो मेरे को क्या करो, दे दो। उनको जोड़ करके उन्होंने क्या किया, सेना तैयार की, चंद्रगुप्त की सेना तैयार की, ऐसे ऐसे के लोगों को जोड़ करके, और पता नहीं कहां कहां से हथियार इकट्ठे किए और जोड़ करके ऐसी सेना बनाई, ऐसी सेना बनाई, और ऐसी चतुराई से, कहीं बुद्धि से, कहीं छल से, कहीं छद्म से, और जो भी करना पड़े, ये चाणक्य की नीति थी, किसी भी कीमत के ऊपर शत्रु को हराना अपना काम क्या करना चाहिए, होना चाहिए। तो उन्होंने सिंधु नदी पार करने नहीं दी, अभी तो चाणक्य सम्राट भी नहीं बना था। ये सिकंदर की सेना को ऐसा तहस नहस कर डाला, सिकंदर की इच्छाओं को ऐसी मिट्टी के अंदर मिलाया। इस चाणक्य चंद्रगुप्त ने उन सामान्य लोगों को, साधारण लोगों को, मजदूर लोगों को, भीलों को, जंगल के अंदर रहने वाले आदिवासियों को, उनको जोड़ जोड़ करके, अपराधियों को जोड़ जोड़ करके, उनके जीवन में देशभक्ति की भावना क्या करी भरी, कि देशभक्ति सबसे बड़ी चीज। अगर हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम जाएंगे क्या, करेंगे क्या, हमारा धर्म ध्यान, हमारी आराधना, हमारी साधना, हमारे चमत्कार क्या काम आएगा, हमारा कुछ नहीं काम नहीं आता अगर देशभक्ति हमारे जीवन के अंदर न हो, देश की सुरक्षा की बात न हो। बंधु आज के सरकार की भी तो यही मुहिम है, आज भी तो हमारी सरकार यही मुहिम कर रही है, देशभक्ति हमारा सबसे पहला काम। अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे, अगर हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम कहां रहेंगे, हमारा जमीन का टुकड़ा रहेगा तो हम रहेंगे, अगर हमारी जमीन ही नहीं रहेगी तो कहां जाएंगे हम। अगर कल को देश के अंदर अफरा तफरी होती है तो हम कहां भागेंगे, कौन से देश के अंदर जाएंगे, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो विदेशियों को उसी तरह से ला करके क्या करे, पाले। हर देश के अंदर जाने के लिए वीजा की जरूरत है, नागरिकता की जरूरत है, सब कुछ है, लेकिन हमारा देश तो क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी धर्मशाला, कहीं से आओ कहीं घुस जाओ, कहीं से आओ कहीं घुस जाओ, और देश के अंदर ही इतने देश के दुश्मन हैं, यहीं का खाते हैं और इसी थाली में छेद करते हैं, यही का खाते हैं और इसी देश को गालियां देते हैं, यही का खाते हैं और इसी देश की संस्कृति को नाश करने में लगे रहते हैं। सामान्य नहीं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े कवि लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजनीतिक लोग, जिनके ऊपर लोग फिदा रहते हैं, वो लोग इसी देश का खाते हैं और इसी देश को बर्बाद करने में क्या करते हैं, लगे रहते हैं।
इसलिए सरकार कहती है कि देशद्रोह सबसे बड़ा पाप, चाहे कोई भी जिस देश के अंदर रहता है उस देश का द्रोह करता है, उस देश का अपमान करता है, उस देश के विरोध के अंदर चलता है, तो उससे बढ़कर के कोई अपराधी नहीं। अब जाकर के हमारे देश की थोड़ी जनता समझने लगी देशभक्ति भी कोई चीज होती, देशभक्ति भी हमारा कुछ कर्तव्य। इसलिए आज हमारा जयंत राजा अमित शाह बोले तो जयंत तो है, कहते हैं जयंत तो अहिंसक होते हैं, वो तो कुछ नहीं कर सकते, उनके अंदर तो ताकत ही नहीं होती। ये अहिंसक वालों ने जो है देश को गुलाम बनाया। अब देखो वो गृह मंत्री क्या कुछ कैसे बोलता, वो कहता हम अपने देश के प्रत्येक नागरिक का परिचय रखेंगे कि हमारे को कम से कम पता तो लगे हमारा देश का आदमी कौन है, विदेशी कौन है, बाहर से आया हुआ कौन है, हमारे देश के अंदर रहने वाला कौन है, इसकी हर चीज की जानकारी हमारे को क्या करनी चाहिए, होनी चाहिए। अब सारा विपक्ष है इसका विरोध कर रहा, वो कहते हैं अगर इस तरह की बात हो गई तो हमारे को वोट कौन देगा, हम राजसत्ता के अंदर कैसे जाएंगे। लेकिन वो भी कहता कि अगर हम राजा हैं, अगर हम सरकार हैं, अगर सर्वोच्च पद के ऊपर हैं, तो कम से कम हमारे को तो पता लगना चाहिए हमारे देश की अपनी जनता कितनी है, हमारे देश की अपनी नागरिक कौन कौन से हैं, अपने देश के लोग कौन कौन से हैं, जो यहां के मूल बासिंदे कौन कौन से हैं, इसका पता तो हमारे को लगना चाहिए, इसमें हमारा क्या अपराध है। बंधु यही तो रगड़ा रगड़ा चल रहा है। तो बंधु चाणक्य ने जिस समय हमारे देश में भद्रबाहू स्वामी का आचार्य चल रहे थे उस समय ये बड़ा उथल पुथल हुआ और जो सारे के सारे नंद वंश को उसने समाप्त कर डाला, नंद वंश को गद्दी पलट डाली और मगध के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने राज्य के रूप में क्या किया, स्थापित किया और पूरे देश के अंदर एक अखंड भारत की उन्होंने रचना की, सारे रजवाड़े उनके अंदर मिलवाए। जैसे पटेल ने सारे रजवाड़े अंदर मिलाए, ऐसे ही जो उस समय जो विष्णुगुप्त चाणक्य ने जितने भी रजवाड़े थे उन सारे रजवाड़ों को मगध के अंतर्गत ला करके मिलवाया और चंद्रगुप्त मौर्य को देश का एकमात्र सशक्त सम्राट उसने क्या किया, घोषित किया। इतना करने के बावजूद चंद्रगुप्त मौर्य वो पूरे चरित्र से जैन धर्म को मानने वाले थे, वो पौषध करते थे, ये संवत्सरी के 8 दिन उनकी उपासना चलती थी, तिथियों के अंदर पौषध करते थे उपाश्रय में जाकर के। और एक बार जिस समय बर्ती श्रावक थे चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन हम लोगों तो ये चिंता ही नहीं ना, हम इतिहास को जाने या उसको पढ़ें या अपने बच्चों को बताएं या उसका खोज करवाएं, उसका जो कुछ अनुसंधान करवाएं, हमारे को तो कुछ में कोई चिंता ही फिक्र नहीं। सब कहते हैं चलो भाई पैसा कमा लो, अपना सब ऐसे असरत के काम होने चाहिए, ईश्वर तो हमारे देश का कोई ध्यान ही, हमारे जैन समाज का तो ध्यान ही नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य जो सम्राट था हमारे देश का, वो व्यक्ति पौषध करता था, जैन धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखता था, भद्रबाहु स्वामी को अपना गुरु मानता था और हर तिथि में जाकर के उनके चरणों में बैठ करके पौषध की आराधना करता था, लेकिन हम लोगों को कुछ पता नहीं, हमारे अड़ोसी हमारे कोई पता नहीं तो अड़ोसी पड़ोसियों को कहां से पता लगना, और कोई दूसरा हमारा इतिहास थोड़ी लिखेगा, कोई हमारे विद्वान होंगे तो वही तो लिखेंगे, हम कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए वही तो हमारे जैन धर्म के लिए काम करेंगे, दूसरा क्यों काम करेगा। एक बार 16 स्वप्न देखे चंद्रगुप्त मौर्य ने, उनको भद्रबाहु स्वामी से पूछा भगवान
मैंने कोषद के अंदर तेला जो कोषद का था उसमें 16 स्वप्न मैंने देखे। स्वप्न का अर्थ क्या, उसमें ये सारे पांच में आर्य में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ उन्होंने बतलाया। आगे आने वाले समय के अंदर इस समय इस समय इस समय ये सब कुछ क्या करेगा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के स्वप्न और उनका वर्णन किया भद्रगाव स्वामी ने, और भद्रगाव स्वामी थे 14 पूर्वों के ज्ञानी। उन्होंने सारा इतिहास सारी चीज एक एक दिन का इतिहास उन्होंने क्या किया बतला। अब हमारा साहित्य कुछ ऐसा हुआ, कुछ जला दिया, कुछ नष्ट कर दिया, कुछ गड़ाब कर दिया, और आगे शोध का काम कुछ चलता नहीं है। ऐसे विद्वान हमारे है नहीं, ऐसी संस्थाएं है नहीं, उसमें जो करोड़ों रुपया खर्च करना चाहिए उसके अंदर हम करते नहीं है, इसलिए हमारा इतिहास किसी को भी कुछ पता क्या करता। और ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिस समय उन्होंने सब कुछ देखा, अपने जीवन को देखा, इतने लड़ाइयां लड़ी, इतने को मारा, इतना कुछ पाप किया, सम्राट बना, अब तो मैंने इसको छोड़ करके सन्यास की तरफ जा करना जाना। तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दे करके उन्होंने दीक्षा ली। इधर जो है आचार्य भद्रगाव ने स्थूली भद्र को आचार्य बनाए, भद्रगाव ने, उन्होंने अपने समय से पहले जिस समय देश के अंदर अकाल पड़ा, बड़ी बड़ी परेशानियां आती थी, विदेशियों का आना, उनका साथ लड़ाई झगड़े, घर के अंदर झगड़े, और सारा का सारा ये चल ही रहा था, उस समय जो है भद्रगाव स्वामी ने अपने जो शिष्य स्थूली भद्र को उन्होंने आचार्य पद के ऊपर स्थापित किया, और उन्होंने कहा ये सारी जिम्मेदारी अगर तुमने संभालना है, और 500 संतों के साथ, कोई 500-700 संतों के साथ ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत के अंदर गए, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गए, और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ले ली थी। वो देश का सम्राट, मौर्य से परिवार का सम्राट, वो सारे देश का जो सम्राट था, जिस सम्राट को विष्णुगुप्त चाणक्य ने तैयार किया था, उसने भद्रगाव स्वामी के चरणों में दीक्षा अंगीकार की। अब ये इतिहास है, पुराने शिलालेखों के अंदर मिलता है, पुराने ग्रंथों के अंदर मिलता है, लेकिन अगर वो सब जगह जाकर के ढूंढ करके खोज करके शोध करके एक इतिहास प्रस्तुत किया जाता है तो उसका एक महत्व होता है, लेकिन उस तरफ कोई काम होता नहीं है। अब जिस समय दीक्षा ली और उसके बाद उन्होंने देखा इस देश के अंदर बड़ा भारी अकाल पड़ने वाला है, विनाश होने वाला है, तो उन्होंने कहा भाई ऐसी स्थिति है और जो अकाल को झेल नहीं सकता वो मेरे साथ क्या करो चलो। भद्रगाव ने कहा तो मैं इधर रहूंगा, तभी जाकर के समाज संभलेगा, श्रावकों को संभालना है, श्राविकाओं को संभालना है, और ये साधु साधवियों को नेतृत्व देना है, अगर हम सारे चले जाएंगे तो क्या होगा। तो भद्रगाव, ये जो स्थूली भद्र वो तो उत्तर भारत के अंदर है, लेकिन जो भद्रगाव स्वामी 500-700 कई हजार संतों को लेकर के उत्तर भारत से दक्षिण भारत को क्या करे चले गए। और ये आजकल जो श्रवण बेलगोला है, श्रवण बेलगोला की मूर्ति जो बाहुबली की मूर्ति है, उस पर्वत के सामने चंद्रगिरी पर्वत है, उस पर्वत में जाकर के रहे हो, चंद्रगिरी पर्वत में, वहां सारे शिलालेख भरे पड़े, कैसे आए, कैसे रहे, क्या क्या किया। तो वर्षों तक फिर यहां से निकलने के बाद फिर जो है वहां पर रहे, जब थक गए, अब चलने की स्थिति नहीं रही, और चंद्रगुप्त फिर सम्राट थे, सम्राट होने के बाद दीक्षा ली थी, अब वह स्थिति उनकी नहीं थी, उनका शरीर भी थका हुआ था, तो भद्रगाव स्वामी के साथ ये जो चंद्रगिरी पर्वत के अंदर रहे और आखिरी समय तक वहां पर क्या करे रहे, आखिरी समय तक। और वहां पर गुफा है, भद्रबाहु की गुफा है, चंद्रगुप्त की गुफा है, मंदिर बने हुए हैं, गुफाएं बनी हुई हैं, जहां रह करके उन्होंने साधना की, आखिरी के अंदर संथरा किया। तो बंधुओं, जिस समय ये आचार्य उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गए, चंद्रगिरी पर्वत के अंदर जिस समय ठहरे, उस समय पता नहीं कितने जो राजा महाराजा उनके दर्शन करने के लिए वहां पर आते थे,
तो एक राजा ने स्वप्न देखा था कि बड़ी भारी मूर्ति है और इतनी बड़ी मूर्ति है वो और वो मैंने बनाया और वो कहां है, किस तरह से उसको स्वप्न के अंदर दिखा। और जिस समय चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर जिस समय आए तो वहां पर किसी ने कहा कि जो आंख ने जो स्वप्न देखा है ना वो स्वप्न यहां से ही आंख को साकार का आकर जाएगा हो जाएगा। और किसी ने बतलाया कि कहानियां बड़ी लंबी चौड़ी हैं और यहां से अपना तीर मारो, अगर ये तीर मार करके अगर उस पत्थर के ऊपर उस पहाड़ के ऊपर जाता है तो आपको कुछ नजर आएगा और उसी में आपका स्वप्न क्या करेगा दिखाई देगा। तो चंद्रगिरी पर्वत से उन्होंने तीर मारा तो जो आजकल जो जहां पर वो मूर्ति बनी हुई है बाहुबली की, उसको पूजा पर्वत था वो, जब पर्वती पत्थरी पत्थर था वो, वहां बीच में जाकर के जिस समय तीर लगा और वहां से जो किरणें निकली उसको ऐसा ध्यान आया यहां पर मूर्ति छिपी हुई है। फिर उस पहाड़ को घड़ करके ये बाहुबली की मूर्ति वहां पर क्या करी निकली। आज हमारे जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ है, सारी दुनिया का केंद्र स्थल है, पहाड़ को तराश तराश करके इतनी बड़ी मूर्ति, एक ही पत्थर के ऊपर इतनी बड़ी मूर्ति, एक आश्चर्य है। ये सब उस समय हुआ जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु आचार्य के साथ दीक्षा लेने के बाद वो वहां जाकर के क्या करे रुके। तो ये था भाई हमारे सम्राट, उन्होंने दीक्षा ली है, चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ली है, तो राज परिवार के लोग, राज परिवार के लोग दर्शन करने के लिए पूरे के पूरे परिवार के साथ वहां पर क्या करते थे, आते थे। तब ये घटना घटी, उसके बाद उस तीर्थ का निर्माण वहां पर हुआ। तो ऐसे आचार्य परंपरा रही है, ऐसा उज्जवल हमारा इतिहास रहा है, ऐसे ये जानने योग्य समझने योग्य सारी चीज रही है जिसको थोड़ा थोड़ा आप लोगों के समक्ष क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो हमारा इतिहास बहुत उज्जवल इतिहास है, हमारे आचार्यों की परंपरा अद्भुत परंपरा है। कैसे कैसे त्यागी, कैसे कैसे तपस्वी, कैसे कैसे साधना करते थे, कैसा कैसा उनका इतिहास है। हम पढ़ते हैं तो पढ़ पढ़ करके हमारे को बड़ा भारी आश्चर्य क्या करता है होता है। अब इन लोगों के चरित्र को हम जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं तो हमारी संस्कृति सुरक्षित रहती है। और जैन समाज का देश के निर्माण में कितना बड़ा योगदान है, ये तब भी था और आज भी है, तब भी था तो आज भी। तो जैन धर्म का देश के निर्माण में, देश के कल्याण में, देश के हित में, देश की भक्ति में हमेशा ही अग्रणी बनकर के ये लोग क्या करे रहे। और उसी चीज की दुनिया को सबसे बड़ी क्या जरूरत है। तो आगे जैसे प्रसंग आएंगे कुछ आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे, बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म है लगता प्यारा, प्यारा धर्म है लगता, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती, ओ जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। तो बंधु परसों 29 तारीख से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और ये 2019 का आखिरी समय क्या कर रहा है, चल रहा है।
और ये 2019 का आखिरी समय किस तरह से बीतेगा इसका भी कोई अता पता नहीं है। कि आप लोग देख ही रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर एक अफरा तफरी का वातावरण है। अब देखो परसों रात को 2.5-3 घंटे तक पुणे के अंदर वर्षा हुई तो क्या वहां पर वातावरण क्या बना, वो हजारों गाड़ियां तो बह करके चली और हजारों हजारों घरों के अंदर पानी क्या कर गया, भर गया। अब जो मिले जो लाश मिले उनकी गिनती होती है, जो नहीं मिले तो उनकी गिनती होती नहीं। अब कितने लोग 25-30 लोग मर गए। अब 3 घंटे की वर्षा क्या होती, आजकल दुर्घटना घटने में कुछ समय नहीं लगता कि समय क्या होना है कुछ अता पता नहीं लगता। वो 3 घंटे की बारिश ने ऐसी तबाही मचाई पुणे वाले कहते हैं आज तक हमने ऐसा कोई अनुभव क्या किया नहीं किया। तो रात को पता नहीं क्या हुआ, क्या वर्षा बरसी। अब आप सोच सकते हैं गलियों में सड़कों में और गाड़ियां बह बह करके चले जाए। बंदो समय की मार प्रकृति की मार ऐसी पड़ती है क्षण भर के अंदर उसका कोई अता पता क्या करता नहीं लगता। और 4 दिन पहले पीओक में शाम को 4:01 पर भूकंप आया और वह आधी मिनट रहा और आधी मिनट में सारी सड़कें तो फट गई और जितने गाड़ियां थी सब उसके अंदर धस गई, ट्रक धस गए, गाड़ियां धस गई, कारें धस गई, बसें धस गई और हजारों जो है घर जो है जमींदोज क्या कर गए हो गए। कितना बड़ा विनाश हुआ, कितनी बड़ी त्राही त्राही वहां पर मची है। ये मीरपुर जाटलान में के अंदर ये पीओके के अंदर जो पड़ता कितना बड़ा विनाश हुआ। तो 15-30 सेकंड के अंदर 1 मिनट के अंदर हजारों लोग पता नहीं कितने बर्बाद हो गए। वो तो कोई लाश मिलता है तो गिनती में आती है, उसकी पहचान होती है तो सरकार उसको सरकारी नोटिस के अंदर क्या कर देते हैं। अब इतने बसें गई, कारें अंदर चली गई, मकान इतने गिर गए, इतने लोग दब गए, अब मरने वाले की क्या संख्या कहां से पता लगे कोई। और तो सरकार के गजट में तो वही आते हैं जिनका लाश मिला और उसकी पहचान क्या करके हो गई, ये फलाने की है, चलो भाई ये मृत्यु के अंदर रख दो, उससे कुछ पता नहीं लगता कितना बड़ा विनाश हो जाता। और आज जो है 370 को खत्म करने के बाद पाकिस्तान बिल्कुल बौखलाया हुआ है, पागल बना हुआ है पूरी तरह। उसका पागलपन कितना है, इतना पागल हो गया है हम मरे जिए कुछ भी हो लेकिन हिंदुस्तान से लड़ेंगे। बंधु आप लोग गलियों में कभी जाते हैं कोई कुत्ता आता है ना तो कुत्ते ऐसे आते हैं उसको भगा देते हैं। अगर कोई पागल कुत्ता उधर से निकले तो बड़े बड़े कुत्ते छुप जाते हैं अंदर जाकर के। अगर कोई पागल कुत्ता गली में निकले सड़क में निकले पागल कुत्ता निकला तो जितने कुत्ते हैं बड़े बड़े वो सारे भागते हैं और एक तरफ जाकर के छिप जाते हैं, उसके पीछे कोई भी क्या करता। उनको पता है इसकी दांत लग गई, इसने काटा तो हम भी पागल हो गए, हम भी मर गए, इतना उनको भी पता है। इसलिए देखते नहीं नया कुत्ता आता है तो कितने कुत्ते निकल आते, नया कुत्ता आता है तो कुत्तों का झुंड आ जाता है, उसको मारते हैं भगाते हैं। लेकिन पागल कुत्ता अगर उधर से निकले एक कुत्ता उसके सामने क्या करता नहीं आता, वो देखते ही समझ जाते हैं ये पागल कुत्ता है और सारे के सारे छुप जाते हैं भाग जाते हैं वहां से। अब ये पागल कुत्ता क्या करेगा क्या पता लगे। अगर एक भी एटम बम को प्रयोग कर देता है, क्योंकि अब जो है इमरान खान उसको तो ये सेना किस समय उतार के फेंकेगी कुछ अता पता नहीं, जनता इतनी बौखलाई हुई है और वो तो किस समय उठा करके पटक करेंगे कुछ पता नहीं। और राज किसका होगा, सेना का होगा। और सेना तो कुछ भी क्या करते हैं, बौखलाते समय गुस्सा आते समय गुस्से में इंसान क्या नहीं करेगा इसका कोई अता पता क्या करता। लेकिन विनाश तो होगा,
और भारत का तो अपना नियम है, जब तक जो एटमी हथियार को दूसरा प्रयोग नहीं करे पहले हम करेंगे नहीं, तो एक एटमी बार तो हमारे ऊपर होगा तभी करेंगे लोग। तो बागड़ी में ऐसा कुछ न हो, लेकिन अगर होगा तो कितना बड़ा विनाश क्या कर जाएगा, हो जाएगा, वो तो समाप्त ही होगा, उसके साथ साथ हमारे देश में भी तो अफरा तफरी क्या करेगी मचेगी। इधर पाकिस्तान की सेना हमारे देश की सेना बिल्कुल आमने सामने, उधर इराक ईरान की सेना और अमेरिका की सेना बिल्कुल आमने सामने है, किस समय लड़ाई शुरू हो जाएगी इसका कोई अता पता नहीं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा अक्साई चीन, वो हम चीन करके लेंगे, वो हमारा है और वो हमने लेना है, इस बात को लेकर के चीन पूरी तरह से अड़ करके गया हुआ बैठा। अगर ये सारी चीज एक साथ शुरू हो जाती हैं, तो ये समझ लो विश्व युद्ध होने में कोई देर लगने वाली बात नहीं। विश्व युद्ध होने में कोई देर लगने वाली बात नहीं। और पाकिस्तान अमेरिका के पास 10 बार गया है कि जे इसके जो कश्मीर के मामले में तुम दखलंदाजी करो, और बड़े देश तो चाहते हैं ना कोई बड़े देश के पास का छोटा देश हमारे अंडर रहे, उनके लिए चाहिए जहां जाने हैं करने हैं रुकने हैं, कहीं लड़ाई होना है तो उनकी जरूरत पड़ती है, ये छोटे देशों को संभाल करके रखते हैं, उनको अपने पक्ष में रखते हैं। अगर अमेरिका को पता लगेगा पाकिस्तान मेरे काम आएगा चीन से लड़ने के लिए रूस से लड़ने के लिए, तो जो पाकिस्तान को कभी भी सहयोग क्या कर सकता है, दे सकता है, ये तो राजनीति है। अब राजनीति में तो जहां अपना स्वार्थ हो वहां पर अपना पराया कुछ भी नहीं रहता। तो आज हम बिल्कुल एक बमों के ऊपर बैठे हुए, एक युद्ध में बैठे हुए हम, किस समय क्या होना है, प्रकृति का क्या होना है। अब कितने रोज आते हैं ऊपर से जो है बादल गरजा और बिजली चमकी, वहां 25 आदमी मर गए, वहां 5 आदमी मर गए, वहां पर 10 आदमी मर गए, वहां पर 50 आदमी मर गए, रोज का समाचार ही क्या करता रहता है। ऐसे समय में क्या कर सकते, इंसान के हाथ में क्या है, एक भक्ति और प्रार्थना क्या करती रहती। परसों 29 तारीख से आराध्य गुरुदेव 1.25 लाख जाप शुरू करेंगे, पहले नवरात्र से 1.25 लाख जाप, उन पूरे नमकार मंत्र का 1.25 लाख जाप करते हैं, और ये भी दीपावली के दूसरे दिन तक के लिए 1 महीने में उन 1.25 लाख जाप नमकार मंत्र का पूरा करना, और सिर्फ गुरुदेव करें लेकिन हमारा भी अपना कर्तव्य क्या कर जाता है, पूरे समाज में हर परिवार में मैं समझता हूं 1.25 लाख जाप वर्तमान स्थिति को देखते हुए, राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए, प्रकृति के मार को देखते हुए, हर परिवार में 1.25 लाख जाप इन दिनों के अंदर क्या करना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि ये जाप के पाठ के आराधना साधना भक्ति के क्या दिवस है, क्योंकि इसके अंदर नवरात्र है, फिर अपना ओली तपस्या है, फिर निर्माण पक्ष के दिन है, ये पूरा महीना इतना अच्छे दिनों का है, इतना पवित्र दिनों का है, इन दिनों के अंदर अगर जाप करते हैं तो उसका प्रभाव ही कुछ अलग क्या करता है होता है। अब आप लोग सोचेंगे वैसे जो अब थोड़ी बरादरी है और वैसे टाइम हमारे को कम मिलता है, 1.25 लाख जाप कैसे करेंगे, तो नमकार मंत्र का 1.25 लाख जाप न हो तो नमो लोए सब्ब सावणं का 1.25 लाख जाप कर सकते हैं, नमो लोए सब्ब सावणं का, ये नवाक्षरी मंत्र है, ये जो संपूर्ण मंत्र है और आधारभूत मंत्र है, और इसके साथ लगा सकते हैं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो लोए सब्ब सावणं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो लोए सब्ब सावणं, इसको लगा करके अगर पहले नवरात्र से लेकर के दीपावली के दूसरे दिन तक, जिस दिन हमारा नया संवत शुरू हो जाता है, नया वर्ष शुरू हो जाता है वीर निर्माण का, ये महीने दिन के अंदर 1.25 लाख जाप हो जाए,
तो घर में शांति रहेगी, रुके हुए कान दूर हो जाएंगे, अशांति दूर होगी, हमारे मन के अंदर अच्छे भाव रहेंगे, सद्भावना रहेगी, और ये हमारे जीवन के विकार दूर होंगे, पुण्यवाणी बढ़ेगी। इसलिए हर व्यक्ति को, हर परिवार को करना चाहिए। और फिर भी अब कहते हैं आपका इतना कुछ बिजी शेड्यूल है, तो उसमें नमकार मंत्र के एक पद का भी सवाल आप करने में कितना टाइम लगेगा, कैसे करोगे? इसलिए हम कहते हैं तुम्हारे परिवार में जितने लोग हैं सब मिलकर के तो कर सकते हैं, परिवार के सारे मिलकर के, बच्चे हैं, बड़े हैं, नमो लो सबके सामने कठिन जब जाप तो है, बड़े छोटे बच्चे सब मिलकर के करना, कैसे? 1250 मालाएं करनी, 1250 माला करनी है। अब 1250 माला अपने घर के अंदर बांट लो, कोई एक दिन के अंदर इतना हमारे को जाप का करना है, पूरा करना। कुछ बड़े ले लें, कोई छोटे ले लें, कुछ बच्चों को कहो भाई तुमने भी करना है, और एक दिन में हमारे 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, जो भी हमारे हिस्से में आता है उतना 24 घंटे के अंदर जाप क्या करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन करना एक ही आसन में बैठ करके, जैसे घर के अंदर आसन बैठाया, जहां पर बैठाया वहीं बैठ करके, जो भी उसका जाप करेगा वहीं बैठ करके करेगा, बच्चा करेगा तो भी वहीं बैठ कर करेगा, बड़ा करेगा तो भी वहीं बैठ करके करेगा, एक ही जगह। अगर सब मिल करके, अगर ये बंटवारा करके अगर जाप आप लोग कर लें, तो 1,25,000 जाप गुरुदेव के जाप के साथ साथ बड़े आराम से पूरा क्या कर जाएगा। और सामूहिक जाप की बहुत बड़ी ताकत होती है, सामूहिक अनुष्ठान की बहुत बड़ी ताकत होती है। और सामूहिक जाप और सामूहिक अनुष्ठान करते हैं तो उससे सारी प्रकृति का वातावरण क्या कर जाता है, बदल जाता है। हमारे को पता नहीं लगता लेकिन वातावरण बदल जाता है। इससे अपनी भी सुरक्षा होगी, अपने प्रांत की भी सुरक्षा होगी, अपने देश की भी सुरक्षा क्या करेगी, रहेगी। इसलिए इस रात के ऊपर सब लोगों ने सोचना है, विचार करना है, चिंतन करना है, और हर घर के अंदर 1,25,000 जाप हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर हर परिवार न कर सके तो कम से कम जो कर सकते हैं उनको तो क्या कर लेना चाहिए। अब आसान तरीका बतला दिया, घर में जितने मेंबर हैं 1,25,000 जो 1250 माला का हिसाब लगा लो, 1250 माला को जो है 30 दिन के अंदर बांट लो, एक दिन के अंदर कितने हमने माला करनी है, और उसमें जो है बड़ा छोटा सब मिल करके हम कैसे उतना माला एक दिन का कर सकते हैं, कर सकते हैं। इस बंटवारे के साथ अगर आप लोग करोगे तो 1,25,000 जाप घर घर के अंदर बड़े आराम से हो जाएगा। और बहुत से लोग तो अकेले अकेले भी क्या करते हैं, कर लेते हैं। इससे हर प्रकार की सुख शांति रहे, आनंद मंगल रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है। जरूर सोचना है आप लोगों ने, जरूर विचार करना है, ऐसा करेंगे तो यहां भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। और आप सब आए, प्रभु की वाणी को सुना, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज बहुत दूर दूर से हमारे श्रावक श्राविकाएं आए हुए हैं, बेंगलोर से श्रीमान रायचंद जी छाजेड़ यहां पर आए हुए हैं, उनके बेटे हैं चैनराज जी छाजेड़। 1988 का हमारा चतुर्मास हुआ, 1988 में चैनराज जी छाजेड़ ने 4 महीने हमारा प्रवचन सुना था। उसके बाद अपने पिता को जाकर के कहने लगे, पिताजी मैंने पहली बार प्रवचन सुना है, मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता हूं, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, आप मेरे को आशीर्वाद दो। क्योंकि प्रवचन में ऐसे ही चलता था, शिक्षा के लिए कुछ, इसे विद्या के लिए, इसके लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो एक दिन उनकी बातचीत हुई, भाई मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता हूं, सम्मेलन हुआ था युवा सम्मेलन, मैंने कहा अपने साथियों को लेकर के करो शुरू। तो मुझे उन्हें अपने पिताजी यहां पर बैठे हुए हैं श्रीमान रायचंद जी छाजेड़, अगर खड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा, सबके दर्शन हो जाएंगे, बड़े भागशाली आत्मा है रायचंद जी छाजेड़। इनके सुपुत्र हैं चैनराज जी छाजेड़, वो तो नहीं आए हैं, अब एक बार खड़े हो जाओ, आपके सब दर्शन करना चाहते हैं। तो उस जमाने में उनके बेटे की भावना थी एक महावीर कॉलेज में खोलूं, उनके लिए 100 करोड़ का उनको जो है जरूरत था। इनने कहा बेटा अगर तू करना चाहता है तो ये कलेक्शन में करके तेरे को क्या कर देता हूं, दे देता हूं, और तू उस काम के अंदर लग जा। और उन्होंने कहा
तेरी बहू को, तेरे बेटे को, तेरे परिवार को रोटी देने का काम मैं करूंगा, तू उस काम के अंदर क्या कर जा, लग जा। अब ये 90 के अंदर उन्होंने महावीर कॉलेज खोला, आज वो जैन यूनिवर्सिटी बन गई। और उस महावीर कॉलेज के अंतर्गत इस समय 100 के करीब स्कूल और कॉलेज क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। और हजारों बच्चे वहां पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और परोपकार के बहुत काम इन्होंने किए हुए हैं। तो ऐसे पिता जिनका आशीर्वाद ऐसा फलता है, बेंगलोर में चतुर्मास था, इन्होंने भारती नगर का पूरा थानक बनाया, पूरा थानक बना करके समाज को सौंपा। समाज ने कहा हम शाल उड़ाना है और माला पहनना है, उन्होंने कहा नहीं, मेरा ये सब का नियम है, माला पहनने का, शाल उड़ाने का सब मेरा नियम है, एक नारा तक नहीं पहना इन्होंने। और आज तक कहीं स्वागत क्या करते नहीं कराते। और भारतीय नगर का पूरा थानक ए टू जेड हमारे चतुर्मास में बना करके समाज को क्या कर दिया, सौंप दिया। बंधु हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग भी, ऐसे ऐसे नौजवान भी समाज की सेवा के अंदर इतने लगते हैं। उनकी पुत्री मद्रास से यहां पर आई हुई है, ललिताबाई जांगड़ा, वो यहां पर बैठी हुई है। ललिताबाई जांगड़ा भी खड़े हो जाए तो सब आपके दर्शन करेंगे। ये ऐसी शख्सियत है, इन्होंने कोड़ी के आश्रमों के अंदर काम किया, हजारों कोड़ियों को शाकाहारी बनाया, हजारों कोड़ियों को नमकार मंत्र सिखाया, हजारों कोड़ियों को सामायिक सिखाया है। और ऐसे सैकड़ों उस कोड़ी के जो रूप में है, जो अठाई करते हैं, तेला करते हैं, आंगिल करते हैं, तपस्या करते हैं, और कभी कभार जो जैन समाज के अंदर भी क्या करते हैं, वो लेकर के आते हैं। कोड़ियों को देख करके लोग डर जाते हैं, उनके समाज में जाकर के। इन्होंने इतना काम किया हुआ, इतना काम किया हुआ है, आज हजारों कोड़ियों को इन्होंने जैन धर्म से जोड़ा है, अहिंसा से जोड़ा है, साकार से जोड़ा है, नमकार मंत्र से जोड़ा है। वो जाप करते हैं, पाठ करते हैं, अठाई अठाई तपस्या करते हैं। क्या इनकी भावना, क्या इनका त्याग, क्या इनका वर्चस्व है। तो रायचंद जी ठाजेड़ अपने पुत्र वधु, बेटा बहू और सबके साथ, परिवार के साथ यहां पर आए हुए हैं। इन्होंने दक्षिण भारत के अंदर जैन समाज के शान को चार चांद लगाया। आज इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से पता नहीं कितने लोगों का भला क्या करता है वहां पर होता है। और लोग समाज का इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। पहले मारवाड़ी को सुनते थे तो नाक सिकोड़ते थे, अब इज्जत करते हैं। पूरे समाज का जो मान सम्मान इन लोगों ने बढ़ाया, ऐसा परिवार यहां पर आया हुआ है, उनको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, सद्भावनाएं देते हैं। धुलिया से कमलेश जी चतुर्मुख आए हैं, और महाराष्ट्र से अनेक जो क्षेत्रों से हमारे श्रावक श्राविकाएं जैसे सामायिक करके बैठे हैं, सब लोग आए हुए हैं, नगर उपनगर से आए हुए सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं। अगर आज का किसी का एकासना हो तो एकासना का पचखान कर सकते हैं, आज के एकासना का पचखान, आज का एकासना, आज के एकासना का पचखान, बहुत सारे बहुत सारे। आज के आयंगिल का प्रत्याख्यान, आज का आयंगिल या आज का वियासना किसी का हो, आज के उपवास का प्रत्याख्यान अगर किसी भाई बहन का हो, आज का उपवास, आज का उपवास, आज का दिव्यार उपवास का बचखान, बहुत सारे बहुत सारे। महासती विवाजी महाराज साहब का आज 25वां उपवास है, मां श्रवण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको साथ रहे ऐसी मंगल कामनाएं। आपका चौला है ना, हाँ, आज चौले का प्रत्याख्यान, आपका चौला है, अगर नाम वगैरह लिख करके हमारे को दे देना कल से। हाँ, पहले 15 किए थे, 15 कर चुके हैं सिंघवी परिवार से, अब यहाँ आपका चौला है, आपको साथ रहे ऐसी मंगल कामनाएं है। आज के चौले का दशम मंत्रम तिवार चौले का बचखाना सब समय सरे वो सर। तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, तपस्या करने वालों को, अब संघ की तरफ से सूचनाएं, और सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा।
जिनकी छत्र छाया में पल रहे ऐसे भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजित सभी महासती जी और साधुगण को कोटि कोटि वंदन। सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का जय जिनेन्द्र। भार्गव से पधारे हुए सभी अतिथियों गणों का नवी मुंबई जैन ओसवाल ट्रस्ट हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। आपकी भोजन की व्यवस्था नीचे प्रांगण में किए कृपया लाभ दे और संघ को लाभान्वित करे। जैसे कि हम सभी हमको सबको विदित है कि हम 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक गुरु सुमति अभिषेक जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। सबको सबके पास तो मैसेजेस पहुंच ही गए हैं। सबको इस जन्म महोत्सव में बढ़ चढ़ के तब जब से भाग लेना है यही संघ की तरफ से विनती है। मंगल पाठ। जय महावीर। जय जिनेन्द्र। चेन्नई से गेलड़ा परिवार भी यहाँ पर आया हुआ है, उन्हें भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। गुरुदेव के आदेश से मंगल पाठ दे रहे हैं। चैतावारम्भाशम चकवट्टी संति संति करी लोई पत्तो गई मुणोत्तरम श्री चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोत्तम अरियंतालुत्तम सिद्धालुत्तम साऊलुत्तम केवली पुनत्तो धम्मोलुत्तमो चत्तारी शरणं भवज्यामि अरिहन्ते शरणं भवज्यामि सिद्धे शरणं भवज्यामि साऊ शरणं भवज्यामि केवली पुनोत्तम धम्मं शरणं भवज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद उसका सदा मंगल होगा। अंगुष्ठे अमृत वसे लवनीत रामंदार श्री गुरु गौतम सुमरिये मुर्गांक्षित फलदाता भावे भावन भाइये भावे भावे धर्म आरानिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्म की खो तो आया ही न पया ही वंदन सभी सकार सम्मान कल्याण मंगलम देव्यम चेयम पजवासम तीखो तो आया ही न पया ही न करना हम सभी सकार मंगल मेयम चेयम उज्वास तीखो तो आया।